क्लास 9 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर स्टूडेंट कंप्यूटर का आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम जिसमें मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर तक बता दिया था। आज आपको मैं बताऊंगी कन्वर्जन। तो आप जो स्टूडेंट स्कूल आ रहे हैं उनको भी स्कूल में सारी रिवीजन क्लासेस दी जा रही हैं और सब बताया जा रहा है और आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी तो आप लोग ऑनलाइन पढ़िए जो घर पर हैं। तो आज आपको पढ़ना है बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं द नंबर सिस्टम। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे ऐड करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर आपको जीरो में जीरो को ऐड करना हो तो नंबर क्या आएगा जीरो आएगा और जीरो में वन ऐड करना हो तो नंबर क्या आएगा वन आएगा। वन में जीरो ऐड करना है तो नंबर क्या आएगा वन आएगा। वन में प्लस वन करना है तो नंबर आपका टेन हो जाता है। वन प्लस वन बाइनरी में टेन लिखोगे नॉट वन टू नहीं लिखोगे। वन प्लस वन इक्वल टू टू आप नहीं लिखोगे। ए आपका क्या हो गया ए रॉन्ग हो गया। आप क्या लिखोगे वन प्लस वन इक्वल टू टेन। तो ये आपका कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्री इक्विवेलेंट आर द आइडेंटिफायर जैसे कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। आप ये बाइनरी एडिशन का रूल था जैसे आपके पास यहाँ पर नंबर गिवन है तो आपके पास नंबर क्या है वन 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 ठीक। अगेन क्या है वन 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 जीरो वन अगेन है वन वन जीरो वन वन। इसको क्या करना है आपको ऐड करना है। चले देखते कैसे ऐड करते हैं। वन में वन ऐड किया मतलब इन दोनों को ऐड किया वन प्लस वन कितना है टेन। तो जीरो को लिख लोगे सॉरी मैं फिर से आपको बता रही हूँ आप पहले नंबर लिखो। आपके पास नंबर गिवन वन 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 जीरो वन सेकेंड नंबर है वन वन जीरो वन वन इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं चलिए देखते हैं। पहले हम इस डिजिट को लेते हैं वन प्लस वन कितना होता है आपका बाइनरी में टेन। तो वन प्लस वन क्या हो गया टेन। तो यहाँ पर आएगा जीरो और वन क्या हो जाएगा कैरी। दिस इज अ कैरी ये आपका क्या हो गया कैरी। और अब इस कैरी में वन वन ऐड करोगे टेन जीरो अगेन जीरो लिखेंगे वन कैरी फॉरवर्ड अगेन वन ये हो गया आपका वन ये कैरी ऐड हुआ टेन जीरो लिखा वन कैरी फॉरवर्ड और वन वन कितना हो गया आपका टेन और वन कैरी फॉरवर्ड टेन वन इलेवन और वन कैरी फॉरवर्ड अगेन ए आपका क्या हो जाएगा इलेवन। तो अगर आपके पास वन प्लस वन प्लस वन है तीन नंबर है पहले इन दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा वन प्लस वन टेन और इसमें वन ऐड कर दोगे इलेवन आ जाएगा। होप्स आपको ये समझ में आया होगा और ये नीचे आपका समझाया भी है कैसे किया है कहाँ समझाया है इसमें आपका समझाया है। ये देखिए ये वन प्लस वन इक्वल टू टेन यानी जीरो लिखेंगे विथ अ कैरी ऑफ वन वन प्लस वन इक्वल टू टेन जीरो कैरी ऑफ वन। तो ये ऐसे लिखा है कैसे लिखा ये देखिए ये भी समझाया। तो सो आपको ये समझ में आया हो। नाउ बाइनरी सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं जीरो में से आप जीरो को माइनस करोगे नंबर जीरो आएगा और वन में से माइनस जीरो करोगे तो आपका जीरो ही सॉरी वन आएगा और वन में से माइनस वन कर दोगे तो जीरो आएगा और टेन में से माइनस वन करोगे तो आपका आएगा वन। तो टेन मतलब जीरो है तो उसको वन तो वो बोरो लेता है नेक्स्ट नंबर से क्या करता है बोरो तब इसके पास टेन हो जाता है। टेन में से वन को माइनस करोगे वन आएगा नाइन नहीं लिखोगे। ये बाइनरी मतलब ये आप पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम इसमें टेन में से वन को माइनस करोगे नाइन ए आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग। आप क्या लिखोगे टेन में से माइनस वन करोगे नंबर आपका क्या आएगा नाइन ठीक ए आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे टेन माइनस वन इक्वल टू वन दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सो आपको समझ में आया हो। तो कैसे करते हैं बोरोइंग वाला चलिए ये भी देख लेते हैं हम आपको बता देते हैं।
सपोज दैट जैसे आपके पास 1100 नंबर है, सेकंड नंबर 1010, इसको आपको क्या करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, जीरो में से जीरो को माइनस कर जीरो, लेकिन यहाँ जीरो है और इसके पीछे नीचे 1 है तो ये नहीं होगा, तो इससे क्या करेगा, बोरो लेगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। ठीक, तब इसके पास 10 होगा, 10 में से 1 को माइनस किया 1 आया, अब ये 0 में से 0 को माइनस किया 0 आया, और इसमें से 1 में से 1 को माइनस किया 1 आया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक, तो अभी इस पे क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। नौ मल्टीप्लीकेशंस, बाइनरी मल्टीप्लीकेशंस, बाइनरी मल्टीप्लीकेशंस कैसे होते हैं उसको चलिए देखते हैं। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन में किसी भी नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करते हो, कैसे मल्टीप्लाई करते हो तो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उस क्वेश्चंस को आप करिए। आपके पास क्वेश्चंस गिवेन है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन गिवेन है तो मैं ये करा देती हूँ कैसे करते हैं। सॉल्व द बाइनरी ऑपरेशन दिस क्वेश्चन, सेवेंथ नंबर, सॉल्व द बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, 1 1 1 0 प्लस करना है ना, तो यहाँ जीरो लिखते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, 0 1, चलिए प्लस करते हैं, 0 में 0 को ऐड किया 0, 1 में 1 को ऐड किया 10, 0 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अगेन 1 में 1 ऐड किया 0, 10 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका, और 1 में 1 ऐड किया 10 और 1 11, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका फर्स्ट का आंसर था, ये सेवन का फर्स्ट। सेवन का बी देखते हैं कैसे करते हैं। सेवन का बी में क्या है, 1 1 1, इस साइड बताते हैं सेवन का बी, सेवन का बी, सेवन का बी आपका क्या है, 1 1 1 1 1, 5 डिजिट तक है, अगेन 1 इसके नीचे लिखेंगे, 1 1 0 1, तो इसको आपको क्या करना, माइनस करना है, और माइनस करना कैसे माइनस करेंगे, 1 में से 1 को करोगे 0 आएगा, 1 में से 1 को करोगे 0 आएगा, 1 में से 1 को करोगे 0, और 1 में से 0 को करोगे 1, 1 में से 0 को 0, दिस इज द योर करेक्ट आंसर। तो ई आपका सेवन्थ का बी हो गया, ए भी बता दिया मैंने, बी भी बता दिया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो अब आगे देखते हैं आपका क्या है, आगे आपका जो है क्या कर रहा, मल्टीप्लिकेशंस, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, नॉर्मल होता है जैसे आप करते हो सब में। तो आपके पास डिजिट है, कौन सी डिजिट है, देखिए आपके पास डिजिट है, तो एक बार मैं इसी में आपको समझा दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको करके भी बताऊँगी कि कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशंस। तो ये आपका नॉर्मल है, आपके पास डिजिट है, डिजिट गिवन है, आपके पास क्या डिजिट गिवन है, आपके पास गिवन है नंबर्स, फिर मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, 1 0 1 1 1 बाई 1 1 0 1, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख लिया नंबर 1 0 1 1 1 और इसको एज इट इज नीचे लिखा 1 1 0 1, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आया होगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 में 0 का 0 और 1 में 1 का 1, ये फर्स्ट पार्टी का आपका पार्शियल प्रोडक्ट था। एंड सेकेंड आप क्या किए हो जी, सेकेंड आप क्या किए हो अगेन, तो आपने 2 स्टेप छोड़ा क्योंकि इसका तो ओवरऑल 0 आएगा, इसलिए इस स्टेप को स्किप कर दिया गया। थर्ड स्टेप में 2 होगा तो अगेन ये 0 ऐसे आएगा, और इसमें 4, तो ये क्या किया, ऐड कर दिया गया 1 1, अभी सब पूरा ऐड करें तो फर्स्ट इंटरमीडिएट सम एंड सेकेंड फाइनल सम, तो ये नॉर्मल होगा, तो इसे हम कर सकते हैं। तो इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं। ओके क्लास, चलिए थैंक यू।